ये अब से 6 घंटे पहले की खबर है, वहां पे मीडिया पे उस पे इसका इसको बताया गया है कि नॉर्दर्न आर्मी कमांड के अपिंद्रा जो है इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स कॉल, हमें कॉल दे तो हम बड़ी जल्दी स्विफ्टली वी कैन टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दिस इज द जस्ट स्टेटमेंट 6 घंटे पहले आई। बैक टू बैक 2 से 3 बड़े बयान आए, लेकिन इसके बरक्स जो बयान सामने आया वो हमने देखा जी आर्मी कमांडर साहब का। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो पीओजे के और पीओजीबी के मसले का सबसे बेहतरीन हल है वो ये है कि पीओजे के जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जनाब हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं जी, आर्मी को जब भी हुक्म होगा वो सरहद पार कार्रवाई के लिए तैयार है। क्योंकि जो साइन ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हुए थे वो पूरी रियासत के हुए थे, हम सब भारतीय शहरी हैं बाय डिफॉल्ट, भारतीय लेजिस्लेशन है, उन्होंने अपना एक कानून बनाकर अपना एक बनाकर रखा हुआ है कि वी हैव राइट टू टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। एक और नई स्टेटमेंट जो आई है उनके एक आर्मी ऑफिसर की तरफ से, उस पे आप क्या कहेंगे? जो भारत में जो आर्मी मैं वो के बारे में बल्कि ये कहूंगा कि ये अब से 6 घंटे पहले की खबर है, वहां पे मीडिया पे उस पे इसका इसको बताया गया है कि नॉर्दर्न आर्मी कमांड के अपिंद्रा जो है इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स कॉल, हमें कॉल दे तो हम बड़ी जल्दी स्विफ्टली वी कैन टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दिस इज द जस्ट स्टेटमेंट 6 घंटे पहले आई। और उसमें सबसे मैं एक आपके देखने वालों को यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत अरसा पहले जो भारतीय लेजिस्लेशन है उन्होंने अपना एक कानून बनाकर अपना एक बनाकर रखा हुआ है कि वी हैव राइट टू टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, सो इनको दोबारा लेजिस्लेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि इफ उनकी पॉलिटिकल जो रूलिंग एलीट है इफ दे मेक अप देयर माइंड एंड गिव अ सिग्नल टू देम, क्योंकि आपके तो इस वक्त जो है वो इंतजार इतना हो चुका है आपके अंदर, उनको भी एंग्जाइटी नजर आ रही है। उन्होंने टाइमिंग देख कर ये स्टेटमेंट दी है, 6 घंटे पहले इंडिया टुडे में ये न्यूज आई मैंने जहां से पढ़ी। लेकिन इसके ऊपर भी इससे पहले वहां के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने आज से कुछ 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट इसी तरह की दी थी, वो किसी अपने आर्मी इंस्टीट्यूशन में खड़े थे, हमारे किसी ने उसको रिबट करने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको, देखे आपके हालात क्या है, एक महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है आपके फॉरेन सेक्रेटरी ही मौजूद नहीं है, पोजीशन खाली है, जो आप किसने देना है, किसी को किसी की विल ही नहीं, किसी की डायरेक्शन ही नहीं, किसी की ख्वाहिश ही नहीं। आज ये स्टेटमेंट आ चुकी है और ये देखनी चाहिए आपके, खासकर जो एटॉमिक पावर के जो रखवाले हैं उनको चाहिए कि वो दिस इज हाउ योर नेबर्स आर असेसिंग यू, यू हैव बिकम वेरी प्रेडिक्टेबल, यू आर वेरी कैलकुलेटेड। लेकिन देखें ये सारी चीजें होती तब हैं जब आपके अंदर कौमियत नेशनलिज्म हो, जब आपके अंदर, जब आपके बच्चे लंदन में बैठे हों, टोरंटो में बैठे हों, अमेरिका में बैठे हों, तो आपका ध्यान वहां और वहां की प्रॉपर्टीज में होता है, आपका ध्यान पाकिस्तान ना, आपके इशू पाकिस्तानी होते हैं ना आपका क्योंकि आप देखें जरा किसी दिन ये मैं बच्चों को देखने वाले आप